नाजरीन आदाब, यह है महनाज केबल नेटवर्क, आप देख रहे हैं पूंछ विजन चैनल। पूंछ विजन चैनल के खुसूसी प्रोग्राम पूंछ आज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशम एहतशाम। डालते हैं पूंछ आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। जिला इंतजामिया पूंछ की जानिब से ईद से एक रोज कबल आज भी कर्फ्यू में दी गई ढील। 9 से 12 बजे तक दी गई ढील के दौरान डिग्री कॉलेज ग्राउंड में सजाई गई कुर्बानी के जानवरों की मंडी, फरजंदा ने तौहीद ने की खरीदो फरोख। जाने ना कम से कम ही 3 ही है, इन्हें किसी की त्रै पेना है ना किसी की त्रै तो भी कम पेना है। वैसे तो अब गुरमी देखते हैं गुरमी क्या करती है, कल ढील देती है, ईदगाह में नमाज पढ़ने देगी या नहीं देगी, बारिश का भी मौसम है, उसको सबको हालात को नजर देखकर वही करेंगे। अब अपनी मर्जी चल नहीं सकती, जैसे गुरमी कहेगी तो उसके मुताबिक ही करना पड़ेगा। ढील के दौरान पूंछ बाजार में भी रही हलचल, लोगों ने की खरीदो फरोख्त। ताजरों ने कहा कि हालात की वजह से उनका हुआ बेहद तजारती नुकसान। ये छोटी मोटी ये सब देहात से चलती हैं, तो हम कहते हैं इसको बढ़ाया जाए, कम से कम 7-8 बजे तक किया जाए, दूसरे हमारे फोन खोले जाएं ताकि हमारे रिश्तेदार। डीजी लॉ एंड ऑर्डर की कयादत में राजौरी और पूंछ में सिविल सोसाइटी मुमरान के साथ की गई मीटिंग है मुनक्कद। हालात का लिया गया जायजा, अवाम को ईद, रक्षाबंधन और यूम आज़ादी की दी गई मुबारकबाद। हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी गवर्नर साहब की तरफ से कि आप डिफरेंट इलाका में जाके देखिए, आने वाला जैसे त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, कल खुशी का दिन है, और देखिए किस तरह के इंतजाम हैं, जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह यहाँ पे हैं उससे लोगों को कोई किसी की कोई तकलीफ नहीं तो नहीं। जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ राहुल यादव और इजाफी जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ मलकजादा ने पूंछ के अवाम को दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। यकीन भी करता हूँ कि जिस तरीके से हम हर साल मिलजुल कर पूरे जोश खरोश के साथ ईद मनाते रहे हैं, उसी तरीके से इस साल भी हम सब मिलजुल कर पूरे जोश खरोश के साथ ईद का अपना त्यौहार करें। और आपस में जितने भी लोग वादी में पिछले 7 रोज से लगातार बंदिश है, वादी में इजाफी पुलिस अहलकारों के दस्ते तैनात, 7वें रोज भी मवासलाती निजाम ठप। श्रीनगर शहर में आज 7वें रोज लोगों की आवाजाही कुछ हद तक हुई बहाल। जम्मू जिला में हालात मामूल पर, ईद से कबल कुर्बानी के जानवरों की गई खरीदो फरोख्त। ईद की मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद है, ईद आती है हर साल में एक बार आती है, बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर बकरे खरीदते हैं बड़े बड़े। करगिल में लगातार यूटी के खिलाफ एहतजाजों के बाद आज 7वें रोज मामूलात जिंदगी कुछ हद तक हुए बहाल। शदीद बारिशों के दौरान आज सुबह पूंछ में मुख्तलिफ मुकामात पर नक्कासी, आग की खस्ता हाली की वजह से गंदगी और पानी लोगों के घरों में दाखिल, लोगों को करना पड़ा कई तरह की परेशानियों का सामना। मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों पर भी गंदगी के लग गए ढेर। श्री श्री 1008 स्वामी विश्व आत्मानंद जी सरस्वती के पूंछ पहुंचने पर किया गया वालेहाना इस्तकबाल। स्वामी जी ने पूंछ की आवाम को दिया अमन का पैगाम। वाले लोग, मंडी वाले लोग सभी चाहते हैं कि प्राचीन ढंग से ही छड़ी लाई जाए पैदल सब, लेकिन इस समय परिस्थिति ये बन गई कि न्यूज के कारण भी थोड़ा उधर चोरी ट्रैफिक के कारण भी लोगों का आना थोड़ा सा कठिन। LDM AK गुप्ता ने की पूंछ आज से बाद बैंकों के हवाले से दी अहम मालूमात। ट्रेजरी ब्रांचेस थी उनको ओपन किया और वहाँ पे जो पेंडिंग सैलरीज थी जिसमें पेंशनर्स थे, एम्प्लॉयज थे और जीपी फंड जिनके पेंडिंग थे, सभी के जो बिल्स पास हो गए और